हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ कोई होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने वाली है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा सा एक मिनी फेशियल या मिनी क्लीनअप कह लीजिए आप लोग, वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप अगर मेकअप करने से पहले करोगे तो डेफिनेटली आपके फेस पर इतना गजब का ग्लो आएगा एंड आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए टिका रहेगा आपके फेस पर एंड आपका फेस जो है वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा, जो मेकअप के बाद कई लोगों के साथ हो जाता है। सो चलिए, मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ बड़बड़ नहीं करूँगी ताकि आप लोग फटाफट देख लें और इसे यूज़ करें। अभी जो दिवाली आ रही है उस पर ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, क्लीनअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी जटाओं को पीछे कर लूंगी ताकि ये बीच बीच में आके हमें परेशान ना करें। ओके, सो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे इसमें, एक यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब रॉ मिल्क, कच्चा दूध। ओके, अगर आपको कच्चा दूध सूट होता है तो वो यूज़ करें, अदरवाइज आप लोग इसकी जगह कर्ड भी ले सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से मसाज करेंगे पूरे फेस पर। इसके हेल्प से होगा कि आपके स्किन से जो भी डर्ट एंड ग्राइम है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगी एंड साथ ही साथ आप लोगों को पता ही होगा कि जो मिल्क होता है वो बहुत ही अच्छा क्लेंजर का वर्क करता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर मिल्क का यूज़ करेंगे। ओके, सो गाइज, ऐसा आपको 2 से 3 मिनट तक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ओके, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मेकअप करने से पहले इतना तामझाम करें कौन करे, तो आप लोग उसे छोड़ दोगे। दैट्स वाई 2 से 3 मिनट ही आपने ये करना है। सो गाइज, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा एंड उसके साथ लिया है मैंने दही, यहाँ पर मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। वो मैंने सोचा आप लोगों को क्या ही दिखाना, दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट आप लोगों के सामने पेस्ट ही दिखाया। इस टाइप का पेस्ट आपने इस्तेमाल करना है एंड गाइज, आप लोगों को दही सूट नहीं होता हो तो आपने इसकी जगह अगर आप लोग लेमन यूज़ कर सकते हैं तो वो भी मतलब बराबर का ही काम करेगा, या फिर आप ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हो एंड पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लेने के बाद अच्छी तरीके से इसे छोड़ना नहीं है, मसाज करना है। ओके, एंड गाइज, मसाज आपको सिर्फ और सिर्फ करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर तक मसाज नहीं करना है। अच्छी तरीके से पूरे फेस पर मसाज कर लें सो गाइज, मसाज करने के बाद आपको इस फेस पैक को रखना है सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए, ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखना है। तो अब हम लोग 5 से 7 मिनट तक इसे रख लें, देन उसके बाद फेस को वॉश करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, यू कैन सी, यहाँ पर मैं अपने फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ एंड मेरा फेस अभी इस वक्त इतना ज़्यादा स्मूद एंड सॉफ्ट लग रहा है, ट्रस्ट मी। एंड अब यहाँ पर मेरा फेस आप देख सकते हो, आप लोगों को भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा सेम टू सेम। और अभी यहाँ पर मैंने फेस पैक यूज़ किया था इसलिए मेरे पोर्स जो है वो ओपन हो चुके थे, तो उन्हें क्लोज करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर का यूज़ करूँगी। सो गाइज, टोनर को अप्लाई करने के बाद हल्के हल्के हाथों से डैब डैब करूँगी, लाइक इस तरीके से तबला स्टाइल में, लेकिन ज़्यादा जोर जोर से पीटना नहीं है अपने फेस को। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है चंदन पाउडर एंड उसके अंदर मैंने ऐड किया है मिल्क, कच्चा दूध। आपको अगर चंदन पाउडर नहीं मिलता है तो उसे स्किप करके आप लोग मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं एंड उसके अंदर दूध की जगह कर्ड भी मिला सकते हैं। मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, दैट्स वाई मैंने जो है मुल्तानी मिट्टी को स्किप करके चंदन पाउडर ले लिया है। सो गाइज, यू कैन सी, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। अब मैं अपने फेस पर अच्छे से इसे लगा लूँगी। सो गाइज, इस तरीके से मैं पूरे फेस पर इसे अच्छे तरीके से लगाने के बाद इसे रखूँगी सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। भले ही ये सूखे या ना सूखे, इसके सूखने का वेट नहीं करना है आपने, ये चीज़ याद रखना है एंड इसे सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आपने रखना है। एंड गाइज, इसके बाद जो आप लोगों को ग्लो मिलने वाला है ना, वो बिल्कुल देखने लायक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ट्रस्ट मी। सो गाइस, चलिए अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से 5 से 10 मिनट बाद।
हे क्यूटीज, यहाँ पे अपने अपने फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ एंड मुझे बहुत ही गजब का रिजल्ट मिला है, यू कैन सी। एंड यहाँ पर मैं अपने फेस को ऐसे ही बेयर फेस नहीं छोड़ूंगी, सो यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ अपने टोनर को। अगेन मैं अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, यहाँ पोर्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, दैट्स वाई उसके लिए मैं यहाँ टोनर यूज़ कर रही हूँ, अगेन रोज़ वाटर। एंड मैं इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर लूँगी, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है उसे स्टार्ट करेंगे। सो अब मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ अपना लोटस का मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं मतलब मुझे अभी करेंटली मेरा फेवरेट है। सो इसे मैं डॉट डॉट करके इस तरीके से लगा लूँगी अच्छे तरीके से। सो आफ्टर दैट यहाँ पर आप लोग रेडी हो चुके हैं अपना मेकअप करने के लिए, एंड गजब का जो आपका मेकअप इसके बाद होगा ना, देखने लायक होगा। सो यहाँ पर मेरा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। सो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए आए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।